जनपद रायबरेली में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें जिला अधिकारी शुभ्र सक्सेना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर झंडारोहण कर देश की अखंडता व एकता की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी सहित सभी ने भारत माता के चित्रण पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं अंत में देश के शहीदों के परिजनों को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ भेज कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडीएम प्रशासन से टीम मजिस्ट्रेट सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। देश व जनपद वासियों को टीएम ने 70वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। वहीं पुलिस लाइन में भी परेड सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि आज 70वें गणतंत्र दिवस पर जनपद रायबरेली के कलेक्टर परिसर में जिलाधिकारी ने झंडारोहण व शपथ ग्रहण व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में झंडारोहण परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। भारी भीड़ के बीच जनपद भर की पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया, साथ पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें बच्चों को भी सम्मानित किया गया। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देखिए, फंडामेंटल राइट्स तो बड़े सिंपल है समझने में, ये थोड़े मुश्किल बनाए हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। भाईचारा होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? देश की संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है संविधान में। किसी को जानकारी है, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो भी फंडामेंटल राइट्स पे बहुत क्वेश्चंस आते थे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे नहीं आते थे। मुझे लगता है कि हमारे एग्जाम्स की संरचना भी इस प्रकार की है कि हमें राइट्स सिखाने की ज्यादा कोशिश की जाती है। ड्यूटीज पे ज्यादा क्वेश्चंस आते तो हम लोग भी ज्यादा पढ़ते। बचपन में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता था, सिविक्स में होता था, पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई से फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ड्यूटी पूरी नहीं करते हमें राइट्स मिलने ही नहीं चाहिए। और आपको बता रहे हैं कि आपका जो अधिकार है वो आपके बराबर वाले का दायित्व जब तक पूरा नहीं होगा आपको वो अधिकार नहीं मिल सकता, वरना हम सब लड़ते रहेंगे, यहां सिविल वॉर होगा, हम लड़ेंगे एक दूसरे से। मेरा अधिकार तभी तो मिलेगा जब दूसरा अपना दायित्व पूरा करेगा, और जब हम अपना दायित्व पूरा करेंगे तो मेरे बराबर वाले को अधिकार मिलेगा। यही तो नागरिकता की परिपाटी है। दायित्व और अधिकार क्या है? दो पहिए हैं गाड़ी के, और दोनों साथ नहीं चलेंगे तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ रहा है हम सभी जानते हैं। वो बैलेंस अगर कायम करना है तो आज फंडामेंटल ड्यूटीज सब सुने और जाकर ये सबको बताएं, भी अपने बच्चों को भी बताएं, ड्यूटीज कम फर्स्ट राइट्स कम लेटर, ये हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। जिलाधिकारी रायबरेली जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि हम इसी प्रकार देश के विकास और उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे और सभी हमारे देशवासी जनपदवासी देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे।